हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज होने में हेल्प होगी और मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का, अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखें, अगर बोर लगे फिर भी एंड तक देखते रहें। तो आज के इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोमबस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट एक्सेट्रा। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। फोर लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे कि थ्री लाइन सेगमेंट से ट्रायंगल बनता है, फोर लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, इसको नेम दे देते हैं ABCD। और इस बात का भी ध्यान रखना होता है, ये जो ABCD लिख रहे हैं ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। कहीं से भी स्टार्ट करें लेकिन क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स होती हैं AB एंड CD। AB एंड CD को इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स कहा जाता है। इसमें दो पेयर हैं अपोजिट साइड्स के, ABCD एंड ADBC, इसका दूसरा पेयर है। इसके बाद देखते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का होती हैं जो इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे ADDC। इसमें ADDC इसका एक पेयर हुआ और फिर DC BC इसका सेकंड पेयर है, इसमें कॉमन C है। इसी तरह से इसके फोर पेयर्स बनते हैं, CB BA ये एक पेयर हुआ और BA AD ये एक पेयर हुआ। इसमें फोर पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के। उसके बाद देखते हैं अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स हैं इसमें A एंड C, जो आमने सामने हैं, आमने सामने वाली वर्टेक्स पे आते हैं वो अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स हुआ एंगल सी एक पेयर हुआ और एंगल BD दूसरा पेयर। एंगल B एंड एंगल D इसका सेकंड पेयर हुआ। इसके बाद देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जिस तरह से एडजेसेंट साइड्स थी, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स वही अगल बगल वाले जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। जैसे AD एक पेयर हुआ या फिर DC, वो फिगर ऊपर है दिखाई नहीं दे रहा है, CB एक पेयर हुआ और BA, एंगल B एंगल A, ये एक एडजेसेंट एंगल का पेयर है। इसके बाद इसके डायगोनल्स देखते हैं। डायगोनल होते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन जॉइन करती है, यानी A और C इसके अपोजिट वर्टेक्स हैं, इन्हें जो लाइन जॉइन कर रही है इसको हम डायगोनल बोलेंगे। इसी तरह से B और D को जॉइन कर रही है ये लाइन, इसे हम डायगोनल बोलेंगे। तो इसमें दो डायगोनल्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, AC एंड BD। अब देखते हैं अलग अलग टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह से ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसमें एक एंगल एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है, जैसे एंगल A एक्यूट है, B ऑब्ट्यूज है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी AB और CD पैरेलल हैं, AD एंड BC भी पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए हम ये इस तरह से एरो लगा देते हैं, AB एंड CD पैरेलल हैं और ये BC एंड AD पैरेलल हैं। ये डबल एरो लगाया है, इसका मतलब दोनों साइड में जहाँ डबल एरो हैं BC एंड AD में, तो वो दोनों
साइड्स पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, जैसे कि ए बी और सी डी इक्वल हैं एंड बी सी एंड ए डी इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके बाद अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इसमें सेम होते हैं, एंगल ए और सी इक्वल होंगे, एंगल बी एंड डी इक्वल होंगे, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये डायगनल्स अनइक्वल होते हैं, डायगनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, अनइक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें जैसे BD एक डायगनल है, AC एक डायगनल है, इसका मिड जहाँ ये मिड पॉइंट O है वहाँ से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये दोनों मतलब AOCO इक्वल हैं, BODO इक्वल हैं। तो डायगनल अनइक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी। इसके नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, रोम्बस। रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस भी पैरेललोग्राम की तरह से ही होता है, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया, ये ए बी सी डी एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। इसमें उसी की तरह से दो एंगल्स में एक्यूट होंगे और दो ऑब्ट्यूज होंगे, और इसमें ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, इसे हम रोम्बस कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम की तरह से। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे पैरेललोग्राम में होते हैं, एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज़ इक्वल्स टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। के बाद इसके डायगनल्स देखते हैं। इसके डायगनल्स अनइक्वल होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। डायगनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दोनों डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। डायगनल्स आर अनइक्वल, ये ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये बी डी एक डायगनल है, ए सी एक डायगनल है, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। तो डायगनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ये रेक्टेंगल लग नहीं रहा है, लेकिन समझ लेना कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रही है उसकी लाइन। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी पैरेललोग्राम की तरह से ही होती हैं, अपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जिस तरह से पैरेललोग्राम में होती हैं ये पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। और इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं ये राइट एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सारे एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं।
इसके जो डायगनल्स होते हैं डायगनल्स भी इसके इक्वल होते हैं, ये दो डायगनल हैं इसके डायगनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, क्योंकि 90 डिग्री होने की वजह से दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं जैसे कि पैरेललोग्राम में करते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, मार्क कर देते हैं इक्वल का साइन, तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जो कॉर्नर वाले एंगल्स हैं ये सारे 90 के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में होते हैं ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री और एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये भी स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है पर चला लेना काम। इसके बाद ये इसके भी डायगनल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स आर इक्वल जैसे रेक्टेंगल के करते हैं, डायगनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद काइट देखते हैं, काइट में ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स वो इसे हम काइट कहते हैं जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं और जिसके डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें बस दो ही प्रॉपर्टी होती हैं, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर सी डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, इसमें डायगनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हमने ए सी ज्वाइन कर दिया और बी डी को ज्वाइन कर दिया, दो डायगनल्स हैं इसके, इसमें ये जो दोनों डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, डायगनल्स आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाइसेक्ट नहीं करते सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं, डायगनल्स आर अनइक्वल इक्वल नहीं होते एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं काइट की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पैर पैरेलल होता है, वो भी फोर साइडेड फिगर है, ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, तो बस इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है कि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ पैरेलल, कोई सभी एक हो सकता है, यहाँ पर ए बी और सी डी मैंने शो किया है, ए बी और सी डी पैरेलल है, या ए डी बी ए डी और बी सी भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक ही होता है। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन लिख देते हैं, और ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, तो ये ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है, जहाँ पर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। देखते हैं लास्ट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी ट्रेपेजियम होता है, लेकिन इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इसमें इक्वल होती हैं, ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होता है, तो ये जैसे अपोजिट साइड पैरेलल्स हैं इसमें, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इसमें इक्वल होती हैं, बस ये एक डिफरेंस होता है, जैसे पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वो तो ट्रेपेजियम की तरह से सेम ही है, लेकिन इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं पी एस एंड आर क्यू वो इसमें इक्वल हैं,
नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है।